हेलो गाइस, इंडिया और वर्ल्ड का छोटा सा मैप फटाफट से एवरी डे मेरे आने से पहले खुद ही बना के रख दिया करो। बिफोर स्टार्टिंग योर एनी गाइज क्लास फॉर योर एटलस ना, कभी भी रोज़ एक मैप एक छोटा सा आपकी कॉपी में जो आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो मेंशन कर सकते हो, बहुत माइनर, ठीक है? जैसे वरना आपका A4 साइज़ की शीट है ना, सो गाइज बस इतना सा, और इतना ही वर्ल्ड का मैप ज़रूर बना के देख लिया करो ताकि हैबिट पड़े। जितना आप लोग इसका प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है? वैसे ही वर्ल्ड का वर्ल्ड एंड इंडिया हाउ मेनी ऑफ यू आर सिटिंग ऑनलाइन गाइज, प्लीज़ बी एक्टिव। और आप कोई भी ड्रॉ करते हो ना मैप वगैरह तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो, ठीक है? क्या कशिश मैम के नंबर पे भेज दो या फिर ऑनलाइन ग्रुप में भेज दो सो दैट आई कैन रीचेक। एवरीवन हैव माई नंबर। डन, इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मैं तो आप लोगों को वैसे ही दिखाती हूँ। मतलब अच्छा बनाने नहीं, बस प्रैक्टिस होती है, जितना बनाते रहोगे हाथ खुलता रहेगा। तभी तो बोल रही हूँ कि रोज बनाया करो, रोज अपने आप फ्लुएंसी आ जाती है। वो एक ना बड़ी अच्छी एक रील थी, मुझे बड़ी पसंद है, उसमें बताते हैं पता नहीं कौन से वो सर हैं, कहते एक बारी जो है एक पहलवान ना नींबू को निचोड़ देता, सुने तुम लोगों ने? पहलवान ने ना नींबू को निचोड़ दिया, तो कहते और बहुत बहुत ताकतवर था, उसके बाइसेप्स बहुत बड़े, कहते कि अगर कोई आ सकता माई का लाल इसमें से, नींबू में से अगर कोई निकाल सके इसमें से दो बूंदे भी अगर, तो एक बड़ा दुबला पतला सा ना एक बंदा आया और उसने ना ऐसे निचोड़ा और सात आठ बूंदे निकल गई। कहता भाई प्रभु आप कहाँ से आए हो? कहता वो बीकानेर की बस है ना, कहते वहां पे ना मैं छोले बेचता हूँ। सो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस कि ना आप कितना प्रैक्टिस करते हो उस चीज को, मुझसे भी बेटर बनाओगे, मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मुझसे ज्यादा बेटर बनाओगे, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं हम लोग आज ना। हम लोग देखो, जब आप LBM ज्योग्राफी उठाते हो ना, आप लोगों के पास जो है उसमें ना फर्स्ट सेक्शन क्या होता है कि बहुत सारे सीज हैं हम लोगों के, रेड सी, कैस्पियन सी, है ना? अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, रेड सी, कैस्पियन सी, ऐसी अराल सी है हम लोगों के, बहुत सारे सीज हैं और उनकी ना बॉर्डरिंग कंट्रीज की हैं हम लोगों ने। अब क्या होता है कि ना ये हम लोग एक दिन में तो नहीं कर सकते इकट्ठे, पर हम ना दो दो करके इसको लर्न करते हैं रोज़, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो क्या होता है कि गल्फ मैक्सिकन बन जाता है और कुछ और बन जाता है, ठीक है? पर्शियन गल्फ और मैक्सिकन इकट्ठे हो जाते हैं सब कुछ। तो हम धीरे धीरे करके करेंगे ये वाला सेगमेंट जो है स्पेसिफिकली ट्रिक वाला, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर कट सा चीज़ रहे इस चीज़ में, ठीक है? एवरी GS में कोई भी अगर आप चीज़ रट्टा मार रहे हो ना, अगर वो सिमिलर हैंड्स पे है ना, तो उसको कभी भी एक दिन में कभी मत करो। ये असूल है कि पहले दो करो, फिर नेक्स्ट डे उसके दो करो, पहले उसके पर जो अगले पहले दिन किए थे ना उनको रिवाइज करके करो, फिर
फिर तीसरे दिन वो चार रिवाइज, फिर नेक्स्ट टू, तभी लर्न होती है अच्छे से कोई भी है आपकी, क्योंकि इतनी सारी सोसाइटीज भी आपको है ना, वो वाला ब्रह्म समाज उसने फाउंड किया था है ना, ऐसी ऐसी कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को। तो पूरे जीएस में ना असूल बना लो कि आप लोगों ने दो या पांच, चलो ये तो थोड़ा बड़ा सा सेगमेंट है इसलिए मैं दो दो करा रही हूँ, पर वहाँ पे सोसाइटी है पांच करो, पांच से ज़्यादा मत करो, ठीक है? ये मतलब कि हैबिट जो है डेवलप करने की कोशिश किया करो। तो आज हम लोग ना सबसे पहले आपके फर्स्ट टू जो है करेंगे, दैट इज ट्रिक टू रिमेंबर योर रेड सी। सबसे पहले रेड सी, तो रेड सी कहाँ पे? एफ्रेटिस के राइट साइड पे, जो हमारा सेंट्रल एशिया वगैरह आ जाता है, हमारा वेस्ट एशिया आ जाता है, और अफ्रीका के बिल्कुल राइट साइड पे हमारा जो है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ ये अफ्रीका है, तो मैंने बताया था ये हॉर्न आता है, वो चाबुक है ना, ये वाला चाबुक, इसके ये दो चीज़ ना बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को भी इकट्ठे कभी नहीं करना, क्योंकि इनमें कंट्रीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? इसलिए सबसे पहले जो है ये वाला गैस जो हमारा है, जो अफ्रीका की साइड लगता है, वो है रेड सी। और जो आपके सारी गल्फ कंट्रीज जहाँ पे आ जाती हैं है ना, जैसे ईरान, इराक भी आ जाता है, ठीक है, यूएई और ये बहरीन, कतर वगैरह, ये आ जाता है गाइस आपका, दैट इज योर पर्शियन गल्फ। इन दो सीज को कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं हम लोगों के, ये दो सीज और दो स्ट्रेट भी इसके, वैसे तो हम लोग बाद में भी स्ट्रेट करेंगे, बट अभी के अभी लर्न कर लो, ठीक है? यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है और यहाँ कौन सा स्ट्रेट है गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो पर्शियन गल्फ है ना, उसको तो कभी मत भूलना, ईरान हमेशा ना उसकी जो है ना धमकियाँ देता है कि मैं ये बंद कर दूंगा, एंड दे आर लाइक अ चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहाँ के हम लोग ये बंद कर देना, ये तो वर्ल्ड का ना कितना परसेंट ऑयल जो ट्रेडिंग होती है ना, क्योंकि ऑयल तो सारा गल्फ कंट्री से आ रहा है, सब बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं दैट इज स्ट्रेट ऑफ हारमूज, HARMUS, हारमूज, ये कभी मत भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाला है बाबल मंडल, बाब PAB अल मंडल, ये आप लोग अगर लोकेट कर सकते हो ना तो कर लो, एटलेसेस पे साइमल्टेनियसली अपनी एटलेसेस खोल लो, ये निकाल लेना, एशिया वाला निकाल लेना गाइस, फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री, 52 पे है हमारा फिजिकल और 53 पे है हम लोगों का पॉलिटिकल। अब ये कौन सा रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप लोगों ने गाइस ये लिया है आपका स्टडी टुडे का एटलस, देन इट इज़ द सेम, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट, ठीक है? मिला जी, ठीक है, रेड सी दिख गया, थोड़े से लेफ्ट साइड की कंट्रीज नहीं दिखेंगे एनी हाउ, बट अभी के लिए अब आप स्ट्रेट्स जो है ना उसको लोकेट कर लेना, जो 42 पे आपको, 52 है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, दैट इज़ योर स्ट्रेट्स बाबल मंडल एंड स्ट्रेट ऑफ हामूज लोकेटेड। अब ना आप लोगों ने जब भी एटलस कर रहे हो ना, मेक श्योर यू हैव ना 10 रुपीज़ वाला मार्कर आता है आपका परमानेंट वाला ना, उसके साथ ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि एटलस में ना हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो जैसे ये मैंने ना अपनी एटलस को किया हुआ है, बीच बीच में ना अंडरलाइन किया हुआ जो बड़ी इम्पोर्टेंट, या मैंने कभी न्यूज़ में पढ़ी हुई या फिर मेरे कभी बैक ऑफ द माइंड चल रही है, तो मैं उसको हमेशा अंडरलाइन कर लेती हूँ। आप भी धीरे धीरे करके ऐसे ही ना रोज़ अंडरलाइनिंग कर लिया करो, अभी पेन के साथ कर लो, फिर उसके बाद चाहे घर जाके कर लेना, राइट? सो बाबल मंडल एंड स्ट्रेट ऑफ हारमूज, पर्शियन गल्फ दिखा, रेड सी दिखा, अब ये भी अंडरलाइन करना है क्योंकि मैंने मुंह से बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना,
गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ ओमान। क्यों? क्योंकि गाइस क्वेश्चन पता है हम लोगों को कई बार क्या पूछ लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ आपके ओमान को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, सीधा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों को। ठीक है, वैसे ही रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को पूछेंगे कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट कर लेता, तो आपको ये पता होना चाहिए गल्फ ऑफ एडन भी और गल्फ ऑफ ओमान भी लोकेट कर लेना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप जो है अगर आपके पास स्टडी टुडे का एटलस नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्या नाम है अमन? इसमें भी ज़रूर होगा राजे। ये अच्छे थोड़े से ना मुश्किल है बाकी एटलस ना थोड़े से लोकेट करने, और कुछ नहीं, तभी मैं स्टडी टुडे का थोड़ा सा ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। ऑनलाइन मिल जाता वैसे ये ना इजीली, थोड़ा सा इसका लोचा है ये ना एक्चुअली। जो सर है ना, ये अनिल सर ही, पता नहीं अजीत सर ही करके जो हैं, ये ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही रह चुके हैं टाइम पे ना अपने, तो उन्होंने बड़ा ना उस हिसाब से ही एटलसेस बनाए हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट दीज वन। पर ये होता है कि एटलस में भी ना बहुत ही ज़्यादा कई बार एक्सेसिवली चीज़ें दी होती हैं, उसको भी सेग्रीगेट करने के लिए एलबीएम तो है ही है हमारे पास, डोंट वरी। ठीक है, डन, ये दोनों मिल गए। अब गाइस हम लोग रेड सी की ना ट्रिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर योर रेड सी कंट्रीज। ऑनलाइन गाइस प्लीज़ बी एक्टिव, चैट सेक्शन मेरा ओपन है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या कुछ भी तो आई कीप ऑन सीइंग दैट, तो प्लीज़ वहाँ पे एक्टिव रहना। ठीक है, रेड सी का गाइस जो शॉर्टकट है ना, रेड सीड्स से याद रखना। ठीक है, सीड्स। सीड्स होते ना वैसे। ठीक है, तो सबसे पहली कंट्री ऐसे कौन सी है, दैट इज़ योर सऊदी अरेबिया, जो यहाँ पे आ जाती है, दिस इज हेयर, प्लीज लोकेट सऊदी अरेबिया। मिली जो ये चाबुक में बोलती नहीं, जिसके आगे पीछे पर्शियन गल्फ और रेड सी लगता है, मतलब कि जो साउथ सऊदी अरेबिया ना वो दोनों सीज को टच करता। डन, सऊदी अरेबिया एंड सेकेंड इज योर सुडान, क्योंकि दो ऐसे ना सीड्स बोला ना, एस स्क्वायर है ये, सऊदी अरेबिया एंड सुडान। मिला जी सुडान। नेक्स्ट है गाइस ई स्क्वायर, ई से कौन कौन से हैं, इजिप्ट एंड सेकेंड वन इज योर इरिटीरिया, इरिटीरिया। मिला जी, इधर आ जा मेरे पास आ, मैं दिखाती हूँ तुझे असाइनमेंट, इधर बैठ। गाइस प्लीज लोकेट। ठीक है, अब ना ये एक्चुअली ना यहाँ पे है, तो इसमें ना यहाँ पे मेंशन नहीं होगी कंट्री, से उसकी भी गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रही है वो बेचारी। उसकी गलती नहीं है, वर्ल्ड का मैप निकाल लो जाए इसमें। ठीक है, इजिप्ट सुडान इटीरिया, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया। डन, एक्चुअली ये अफ्रीका की कंट्रीज है ना, तो एशिया के मैप पे कैसे मिल सकती हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है।
देनस गाइस दैट इज योर जुबूती, ये है जुबूती बट डी से शुरू होता है ये जुबूती, बहुत ही छोटी सी कंट्री है देखो, दैट इज योर जुबूती, बहुत छोटी सी, मिल गई ठीक है। देन इज योर यमन, वाई से हम लोगों का यमन। अब ये तो ना बच्चे बहुत प्रोमिनेंटली ना टच करती हैं हमारे ना रेड सी को, बट आप जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज में ना अब देखोगे ना ट्रिक्स देखोगे तो वो यहीं तक कंसाइज्ड हैं, जितने भी आप ट्रिक्स देखोगे। बट ना यही आप लोगों को ना एक एज देती है, जो लर्न बाय मैप्स हैं उसमें ना आपको ये भी बताया कि भाई आई जे भी है, और ट्रस्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं होता ये वाला आई जे, दैट इज़ योर इज़राइल एंड जॉर्डन। अब क्या हो क्या रहा है जब आप ना ये देखोगे ना ध्यान से, तो ऐसे करके जो हमारा जा रहा है ये रेड सी है, तो ना इसके दो सींग निकले हुए हैं ऊपर की तरफ, तो ये राइट वाला जो सींग है ना इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ अकाबा, गाइस दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ अकाबा। ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत छोटी सी वाटर बॉडी है तो उसमें भी नाम ना दिया हो, बट इसके थ्रू ना इज़राइल और जॉर्डन दोनों कंट्रीज को ये टच करता है। इज़राइल इज द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस वर्ल्ड। देखो ये एक लौती कंट्री है जो ना इजीली आपका मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन को भी एक्सेस कर सकती है, और हमारे रेड सी और अटलांटिक और ये अरब सी और आपके इंडियन ओशन को एक्सेस कर सकती है। ऊपर से जाएगी तो अटलांटिक आ जाएगा, नीचे आएगी तो इंडियन ओशन आ जाएगा, है ना। सो दैट इज़ वाई इज़राइल इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द वर्ल्ड। माना जाता है कि हिटलर ने ना जानबूझ के जो है ना ज्यूज को यहाँ भेजा था कि आप जाओ यहीं पे जाओ, है ना, स्ट्रैटेजिकली उसको पता था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है हम लोगों के, एंड सो राइट गाइस ये जो हमारा ना लेफ्ट साइड पे आ जाता है ना, यहाँ पे ना स्वेज कनाल आ जाता है जिससे ये ना मेडिटेरियन सी कनेक्ट भी करता है, स्वेज कनाल। तो ये जो स्वेज कनाल है ना ये आर्टिफिशियल आपकी जो है ना, इट्स अ वाटर सिस्टम, ऐसे नेचुरल नहीं था जैसे गल्फ ऑफ अकाबा, ये तो ज़बरदस्ती खोद खोद के ना इन्होंने कनेक्ट किया है आपका, बिटवीन योर मेडिटेरियन सी एंड योर रेड सी। और यही गाइस हम लोगों का सी है जो कि आपका बेसिकली अफ्रीका और एशिया को ना आपस में सेपरेट करता, ठीक है। फिजिकल मैप में प्लीज़ लोकेट योर सिनाई पेनिनसुलर, सिनाई SINAI, सिनाई पेनिनसुलर। मिल गया ठीक है। ये भी एक आपका ना ऐसा पोर्शन आ जाता है जो अफ्रीका और एशिया को हम लोगों का सेपरेट करता है आपस में, तब करके ये आपका इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाता है। कई बार मैच द फॉलोइंग में या फिर वाई न्यूज़ मैच द फॉलोइंग में किसी चीज़ पे भी पूछा जा सकता है। डन, नेक्स्ट निकाल लो गाइस, दैट इज़ योर ब्लैक सी, इसी के ऊपर ही है, पहले उसको देख लेते फिर उसके बाद हम लोग ना यूरोप पे पहुंच जाएंगे। अभी के लिए इसको निकालो, दैट इज़ इन योर, इसी के ऊपर है, दैट इज़ योर ब्लैक सी। ये जो हमारा ब्लैक सी है गाइज, कुछ खासियत इसकी, इसमें ना ये कंट्री है दैट इज़ योर टर्की, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंट्री
कैसी कंट्री है, कैसा नेचर है इसका और क्या सब कुछ है? एनीवन अबाउट द टर्की ज्योग्राफी में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। टर्की कैसा कंट्री है गाइस, जो कि दोनों आपके कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मिलता है, दो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मिलता है। कौन कौन से? दैट इज़ योर यूरोप एंड एशिया के अंदर। मेजॉरिटी एशिया के अंदर है, बट यूरोप के अंदर भी इसका पार्ट है जो कि इस्तानबुल करके है इसका जो पार्ट है, एंड दैट इज़ नोन फॉर टूरिज्म। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस इस्तानबुल। एंड टर्की इज़ योर रेस्ट ऑफ योर टर्की 80% 70% इज़ इन एशिया। ठीक है, तो जैसे रेड सीड्स किए थे ना, वैसे यहाँ पे ब्लैक बर्गर करेंगे, पर किसके साथ लेंगे? टी बर्गर। ये बर्गर में से ना बस ई काट देंगे। मुझे बहुत लोग कई बारी ना सजेस्ट करते हैं कि मैम आप ना ऐसे ऐसे क्यों बनाते हो शॉर्टकट्स, आप ऐसे क्यों नहीं बनाते राम ने सीता को, गीता को ऐसा बोला, ये खीर खाई। वो मेरा ना कॉल नहीं है, क्योंकि मैंने ना जब अपनी प्रिपरेशन के टाइम में ऐसे किया था ना, तो मैं ये भूल जाता कि सीता ने कुछ किया भी था, कि वहाँ पे उसका है रेलेवेंस, कि राम का है, कि है ना कि खीर का था। उस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इसमें ना हम लोगों को वही स्पेसिफिकली वर्ड्स रखने चाहिए। और यदि ये डिफ़िकल्ट है, नहीं, अगर आप दो बारी तीन बारी इसके साथ आपका आंखों में से जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका रिदम बन जाता। दिस इज़ हाउ, मतलब कि दैट इज़ अप टू यू कि आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, कई के जो डॉग्स होते हैं ना, वो कम से भी आ जाते हैं, कई के हुश से भी आ जाते हैं। अब वो आप, तुम्हारी कॉल है कि तुम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना चाहते हो। मुझे लगता है ये बेस्ट है, ताकि इससे कन्फ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, मे बी अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे कि हमें कभी काटने पड़ते हैं, कभी रिप्लेस करने पड़ते हैं, बट दैट्स मोर ईजी, राइट? सो रेड सी की कंट्रीज बतानी शुरू करो। टी फॉर यस, सभी किया हम लोगों ने, दैट इज़ योर टर्की। अब ना जब आप लोग टर्की पढ़ रहे हो ना, कीप मतलब कि गुड विजन कि और कौन कौन से ना सीज को और कौन से को टच कर रही है। तो क्या कहते हैं, कैस्पियन को कर रही है, कैस्पियन सी को टर्की टच कर रही है, नहीं कर रही। मेडिटेरियन को कर रही है, एजियन सी को कर रही है। ठीक है, एजियन सी इज अ आर्म ऑफ योर मेडिटेरियन सी जो उसको टच कर रही है। तो कभी कभी ऐसे भी देख लिया करो कि अगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोस्टल आपकी कंट्री है, तो उसको कितने मल्टीपल आपके जो हैं कंट्रीज के साथ वो टच करती है। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर बी। द बी स्टैंड्स फॉर बुल्गेरिया। ठीक है, अब ये यूरोप का पार्ट आ जाएगा गाइज, हम लोगों का थोड़ा सा यूरोपियन पार्ट आ जाएगा। मैं आप लोगों को ना एक मैप बना ही देती हूँ, जैसे ना तो नीचे की तरफ आ जाता है हमारा, दैट इज योर टर्की। ठीक है जी, उसके बाद हमारा लेफ्ट साइड से दैट इज योर बुल्गेरिया। हाँ जी, उसके बाद यू से दैट इज योर यूक्रेन। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, पता नहीं कितना न्यूज़ में रहता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ G8, G7 बन गया, यहाँ पे क्रीमिया एनेक्स हो गया। अभी उसकी भी स्टोरी सुना दूंगी, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज़ योर यूक्रेन। नेक्स्ट गाइस, दैट इज़ योर आर इज़ फॉर रशिया। ठीक है, दैट इज योर रशिया। देन इज योर जी, दैट इज जॉर्जिया। ये एशिया का पार्ट है, जॉर्जिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। आपका जो मैप खुला हुआ है ना, वहां पे जॉर्जिया दिखेगा आपको।
ठीक है, बाकी ये जो कंट्रीज हैं ऊपर की, जैसे बुल्गेरिया है, यूक्रेन है, रशिया है, और ये लास्ट आर स्टैंड्स फॉर योर रोमेनिया, ये सारे यूरोप में मिल जाएंगे। द लास्ट आर इज योर रोमेनिया। लोकेटेड इसको ना एक्सयूनिया सी भी बोलते हैं हम कई बार, वैसे ही याद रखना कि एक्सयूनिया सी भी बोलते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा ना ब्लैक सी है ना, तो इसके ऊपर जो ये दो छोटे छोटे से सींग बनाए हैं, एक बड़ा सींग है एक्चुअली राइट वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस दैट इज योर सी ऑफ अजोव। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सी ऑफ अजोव। और छोटी सी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? द स्ट्रेट ऑफ, नो नहीं, क्रेच, क्रेच, कर्च या क्रेच जो भी बोलना। हाँ जी, बॉस्फोरस और मरमरा तो बच्चे आएगी अभी है, जब हम लोग ये डार्डस सी डार्डरस करेंगे आपका। और हाँ वो है, वो करेंगे, पर ये नहीं भूलना गैस, ये अगेन न्यूज़ में होता है, क्योंकि यूक्रेन ना आपका जब अटना और रशिया की वॉर चल रही थी, तो इट वाज वेरी मच इनटू द न्यूज़। ये सी ऑफ अजोव है, स्ट्रेट ऑफ कर्च है, कि वहाँ से वो जाने नहीं दे रहा है ना। यूक्रेन इज़ नोन एज द, किस लिए वर्ल्ड में फेमस है यूक्रेन गैस? वीट के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से वीट जो है आपका जाता है वर्ल्ड को। एंड न्यूज़ में भी चल रहा था ये कि इंडिया ने अब जो वीट पिछले साल भी आपका बंद कर दिया, अब इस साल क्या रहा है बंद किया, पिछले साल इन्होंने बोला था हम वीट नहीं दे सकते, और इस साल क्या बंद किया, राइस जो है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अच्छा गाइस, अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है कि क्या हमारा ब्लैक सी मेडिटेरियन सी को टच करता है? रेड सी तो करता है ना, क्या ब्लैक सी जो है हमारा मेडिटेरियन सी को टच करता है? एशिया वाला मैप खोल के देखो, यूरोप से तो नहीं करता यार, एशिया से भी कंफर्म कर लो। नहीं करता, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो टर्की को, ध्यान से एशिया वाले मैप में टर्की को ध्यान से देखो, जहां पे एजियन सी और ब्लैक सी लिखा हुआ है, उसके बीच में तुम्हें कुछ वाटर की तरह कुछ नजर नहीं आ रहा? पानी दिखाई दे रहा है? गाइस दिस इज सी ऑफ मरमरा। ये एक ना लौता एक ऐसा कंट्री है जिसके खुद के ना दो लैंड मासेस के बीच में सी आ जाता है, दैट इज सी ऑफ मरमरा। और इसकी वजह से ब्लैक सी, यस इट डज कनेक्ट टू योर मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट्स आते हैं जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है, व्हाट इज इट? देखो ऐसा है कुछ, ठीक है, मैं ना ऐसा बना रही हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ और कुछ नहीं। ये ब्लैक सी है हम लोगों का, ये सी ऑफ मरमरा है, एंड दिस इज योर मेडिटेरियन सी। ये दोनों टर्की हैं,
ये तो आप लोगों को अब समझ में आ गया ना इस तरीके से है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो एजियन सी और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे ना लिखा नहीं होगा गाइज, यू हैव टू राइट इट एट योर ओन। यहाँ पे लिखो द सी ऑफ डार्डरस। एंड दिस इज योर स्ट्री ऑफ, जो भी आप बोल रहे थे दैट इज योर बॉस्फोरस। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कौन कनेक्ट करता है गाइज हम लोगों का? दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ कर्च। अगर मैं बोल रही हूँ कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को क्या ये आपस में टच होते हैं? आंसर इज यस, बाय द सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो मरमरा सी और ब्लैक सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? बॉस्फोरस। और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी मेडिटेरियन सी को? ठीक है, डार्डनेस। डन, ये है हम लोगों के स्ट्रेट्स। ये आपको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एटलस पे अगेन फिर नहीं मिलेंगे, पर ये आपका एलबीएम का पेज नंबर 11 है आउट ऑफ 148, आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। डन, तो ये हमने आज दो ये सील किए हैं, दैट इज योर रेड सी एंड योर ब्लैक सी। दोनों को लर्न करो, दोनों ही कंट्रीज लर्न करो। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप निकाल लो, एंड में लर्न कराते हैं या तो ना, बिल्कुल एंड में वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप निकाल लो। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप का ना चाहे पेज नंबर याद ही रख लो कि कौन सा है, मेरे ख्याल से 115 कुछ ऐसे है, 92 है। ठीक है, कौन सा है? मुझे लगता तुम्हारे नहीं है एटलस से बहुत ज्यादा, मेरे तो पेज ही नहीं है इतने। ये भी इन्होंने बढ़ा दिए होंगे शायद बीच में ना, कुछ इंट्रोड्यूस करते होंगे। चलो एनी हाउ गाइस, देखो कि हमारा जो इंडिया जो अर्थ है ना, वो तीन हिस्सों में ना डिवाइड की हुई होती है मेजरली, तीन मेजर लाइन से। एक है 0 degree इक्वेटर, देन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखी, ठीक है। अब ना ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि ना कौन सी कंट्री जो है किस लाइन में से पास करती है। अभी अगेन तीनों सिमिलर चीज़ें आ गई ना, अब हम इसको भी एक एक करके लर्न करेंगे। तो आज हम लोग करते हैं दैट इज विद योर इक्वेटर करते हैं। चलो इक्वेटर, तो फर्स्ट कंट्री इक्वेटर में से निकलने वाली कौन सी है? दैट इज योर इक्वेडोर। बच्चे इसका नाम ही ना शायद इसी वजह से पड़ा था क्योंकि ये पहली कंट्री है जो इक्वेटर में से क्रॉस करती है। द कंट्री नेम इज इक्वेडोर, इट इंस्पायर्ड इट्स नेम फ्रॉम योर इक्वेटर, इक्वेडोर। समझ में आया? दैट इज कंट्री पासिंग थ्रू योर इक्वेटर। तो वो करेंगे पहले ना वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, लेट्स डू दैट वे। अच्छा, वर्ल्ड मैप की क्या खासियत होती है कि वर्ल्ड मैप में ना कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट जिस टाइम पे आप जो चीज़ एड्रेस करना चाहते हो ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वहाँ पे सिमिलर लाइन में चले। ठीक है,
जैसे मैं इक्वेटर क्रॉस करूंगी ना, तो ये यहाँ से निकलता है कुछ ऑलमोस्ट, ठीक है, और अफ्रीका में से निकलता है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इसको ड्रॉ कर लूंगी। ऑफ कोर्स अब मैं ऐसा मेक श्योर करूंगी कि आपका जो है बेचारा इंडिया बीच में ना आए, है ना, या फिर आपका जापान बीच में ना आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखूंगी। एंड दिस इज़ द वे हाउ यू मेक इट। तो जिस टाइम पे जो चीज़ एड्रेस करनी है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका वो रहे, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग ना शॉर्टकट लिखते हैं। तो पहले ना, सबसे पहले बच्चे जो शॉर्टकट है ना, पहले UCB, ये ब्रांड सुना, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन होता है, हम लोगों का एक ब्रांड है, ठीक है, और एक हम लोगों का ब्रांड होता है FCUK, ये भी एक ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड्स जो मैं आई, ठीक है, पहनूंगी, माइक से याद रख लो चाहे इसको, ठीक है, माइक हूँ, या मैं डालूंगी MK, लिख दो इसको, MK ब्रांड भी सुना होगा, माइकल कॉरस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, बट जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को ना कई बार चेंज करना पड़ता, तो इसका जो यू है ना, दैट विल रिप्लेस बाय ई, एंड इसका एफ विल रिप्लेस बाय जी, और ये C² है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने कंट्री की, दैट इज योर ई से ECB, ये तीनों कंट्रीज ना इकट्ठी हैं और आपकी साउथ अमेरिका के अंदर ही हैं। अब मैंने कुछ इस तरीके से भी डिवाइड किए हैं आपके जो ये शॉर्टकट्स हैं ना, ताकि ये आप लोगों के कॉन्टिनेंट वाइज रहें, इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। तो ECB, द फर्स्ट वन इज़ योर इक्विडोर, सेकेंड इज़ योर कोलंबिया, एंड द थर्ड वन इज़ योर ब्राज़ील। ना एक ऐसी इतनी लंबी कंट्री है गाइस, सबसे मैसिव है साउथ अमेरिका के अंदर आप लोग देखोगे, और इसमें ना दो लाइंस क्रॉस करती हैं, एक दैट इज योर इक्वेटर एंड सेकेंड वन इज योर कैप्रिकॉन। ये केली रौती कंट्री है जहां पे दो आपकी लाइंस क्रॉस कर जाती हैं। अंडरस्टूड? आ जाओ गाइस, फिर उसके बाद GC² UKS। तो जी से कौन सी है? दैट इज योर गेबोन, सी कॉन्गो। ये जो C² है ना, दैट्स वेरी इजी, कि कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम जायर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज योर जायर, ठीक है। यू से दैट इज योर युगांडा, के से गए हम लोगों का दैट इज योर कीनिया, एंड एस से हम लोगों का द लास्ट कंट्री, दैट इज योर सोमालिया। डन, ये अफ्रीका की कंट्रीज आ जाती हैं। अब ये MIK, माइक से याद रखो, है ना, या मैं ब्रांड डाल लूंगी, जो मर्जी याद रखो, एम से गए दैट इज योर मालदीव्स, ठीक है। यहाँ पे आपके मालदीव्स वाली आपकी जो है कंट्रीज हैं, तो इंडिया के लेफ्ट साइड पे बिल्कुल, तो वो आपका आ जाता है, दैट इज योर एम। फिर गाइस हमारा इंडोनेशिया, फिर राइट साइड पे ना ऊपर ओशिनिया के अंदर आता है किराबती, KIRBATI, किराबती। ये ना, इन दोनों को नोट कर लेना, ये एल्बियम में से भी मिसिंग है, बट दैट इज देयर, नेक्स्ट अपडेशन में भेजनी है वैसे मैंने। तो टोटली कितनी? 13 कंट्रीज हैं गाइस, और तीन वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज कौन कौन सी क्रॉस कर रही हैं यहाँ से? एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। कोई शक नहीं, तीन वाटर बॉडीज जो हैं इसमें से क्रॉस करती हैं गाइस, ठीक है। दिस इज योर कौन सा? पैसिफिक ओशन, दिस इज योर एटलांटिक ओशन, एंड दिस इज योर इंडियन ओशन। और
और ये अगेन आपका पैसिफिक ही हो जाता है, ये वाला जो साइड है, तो तीन वाटर बॉडी से भी क्रॉस करता। डन। नेक्स्ट निकाल लीजिए ए से कौन सी कंट्री है, ए तो है नहीं, किराबति, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है के आई आर बी ए टी आई, किराबति बी ए टी आई। ये आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप हैं ये भी, इनको रिकॉग्निशन मिली हुई है यूएन से ना, डिफरेंट कंट्री को, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये डन लिख लिया। इसको मैं इकट्ठे लास्ट में आप लोगों को ना लर्न करवा के लिखवाऊंगी। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब इनकी करते हैं हम लोग कंट्रीज पढ़नी शुरू कि कौन कौन सी हैं। सो टेक आउट योर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में तो कोई शक नहीं है, ज़्यादा कंट्रीज नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ योर, दैट इज़ योर कैनेडा, यूएसए एंड मैक्सिको। थोड़ा सा पार्ट गाइज हम लोगों का ना अलास्का का आ जाता है यहाँ पे, जो हम लोग देख रहे हैं ना। ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट आता है ना प्रोजेक्टेड, ये अलास्का आ जाता है, जो कि यूएसए का ही पार्ट है। एक टाइम पे रशिया का पार्ट था, बट यूएसए ने इसको ना पैसे देके ख़रीद लिया था, और बोला था कि इसलिए ख़रीदा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा हैं, जब यूएसए के हाइड्रोकार्बन्स ख़त्म हो जाएंगे ना तो यहाँ से निकाल लेंगे। कुछ बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2012 या 2013 की बात है, इन्होंने पैसे देके ख़रीद लिया था ये। सो तीन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद निकालो गाइस, दैट इज़ योर सेंट्रल एशिया। मेरा पेज नंबर है, दैट इज़ योर 79, आप लोग देख लेना। सेंट्रल एशिया, हाँ जी, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं गाइस? ये है एलबीएम का पेज नंबर 51 out of 148, लिख लेना अगर लिखना होगा, अदरवाइज वैसी। ठीक है, ऐसा कुछ आपका पार्ट आ जाता है। तो सबसे पहली कंट्री ना आपकी जी एंड बी आ जाती है, जी एंड बी, तो ठीक है। उसी के नीचे ई और एच आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है एन, देन इज योर सी एंड पी। इसका ना मैंने शॉर्टकट बनाया था बी ई जी बैग, फिर सी एच चंडीगढ़, चंडीगढ़ के किसी गाड़ियों के आगे लगता है ना सी एच वाला, फिर उसके बाद नो प्रॉब्लम एन पी। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया ऐसा सा दिखता है, कैरेबियन सी वाला जो पार्ट है ना आपका, वहाँ पे दिखाई देगा आपको। यस, यही यही है, ये लगता ही नहीं है कि कुछ है अभी। ठीक है,
तो ये मैक्सिको तो बच्चे हम लोगों का मैं हमने ऊपर अभी कर ही लिया मैक्सिको से लेकर, और नीचे जो है आपका वेनेजुएला सबसे पहले टच कर जाता, पर वेनेजुएला और मैक्सिको हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पार्ट ले रहे हैं, ये सिर्फ आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट आ जाता। तो बी से कौन सी कंट्री है, दैट इज योर बेलेजे, ठीक है बेलेजे। ठीक है हाँ जी, ई से कौन सी है, दैट इज योर ई से कौन सी है, ई सेल्वाडार या एल सेल्वाडार भी बोलते हैं, सेल्वाडार, एल सेल्वाडार। फिर जी से कौन सा है, ग्वाला माटा माला, ग्वाला माला मिला। नेक्स्ट गाइस सी एच, सी से कौन सी कंट्री है, दैट इज योर कोस्टरिका, ठीक है। एच से कौन सी है गाइस, एच से कौन सी है, हॉनरूस, हॉनरूस लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद गाइस एन से निकारगुआ, एंड पी से कौन सी है हम लोगों की, दैट इज योर पनामा, पनामा कैनाल भी सुना होगा आप लोगों ने बचपन में, जैसे स्वेज कैनाल सुनते थे वैसे पनामा कैनाल पता नहीं कितना ज़्यादा सुनते थे हम लोग ज्योग्राफी जो पढ़ते थे। तो पनामा कैनाल की क्या खासियत है, पनामा कैनाल ना आपके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों आपस में कनेक्ट करती है, ये भी आर्टिफिशियल आपकी जो है और सेपरेट करती है आपकी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, पनामा कैनाल। डन। इसके राइट साइड जो आपके सी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कैरेबियन सी आता है, देखो लोकेट करो आपके लिखा हुआ है एटलिस इस पे, दैट इज योर कैरेबियन सी राइट साइड पे लोकेट एंड अंडरलाइन, ठीक है। इसी के ऊपर ना गाइज हमारे थोड़े से और भी आपकी कंट्रीज हैं जिसमें है आपका हवाना, हवाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है हवाना, हवाना मिला, ठीक है। उसके बाद है आपका दैट इज़ योर जमाइका, छोटा सा आइलैंड नीचे, दैट इज़ योर जमाइका। जे एच, ठीक है। एंड एक हैती, ठीक है, और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद है गाइस क्यूबा भी होना चाहिए यहाँ पे, वेयर इज क्यूबा, कहाँ चला गया, बच्चे ये पूरा ना क्यूबा ही है, हाँ सॉरी, हाँ ये सारा आइलैंड आपका क्यूबा ही है, ठीक है ओके। एक ना आप लोगों को जो आपका कैरेबियन आइलैंड सी लिखा हुआ है ना गाइस, बिल्कुल इसके नीचे ना लेसर एंटनीलीज भी लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ये एक मिथिकल आइलैंड भी बोला जाता है, और जो रिलायंस वाले अम्बानीज है ना इनके घर का नाम भी यही है, ठीक है। लेसर एंटनीलीज बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये एरिया भी, ठीक है। ये जो क्यूबा है ना हम लोगों का, जिसको मैंने हवाना बोला था, सॉरी दैट इज योर क्यूबा गाइज, इसका और यूएसए ऊपर एक आपका है ना हवाई आइलैंड जो हम लोगों ने किया था पहले भी आपका,
ठीक है, तो ये यूएस है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है गाइस, ये ना आपका फ्लोरिडा आ जाता है, ये जो कंट्री है हम लोगों का जो यूएसए का पार्ट है, तो जब ये दोनों को जो आपस में सेपरेट करता है ना, दैट इज योर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ऐसे जो प्रोजेक्टेड पार्ट जो निकला हुआ है आपका नॉर्थ अमेरिका से, दैट इज योर फ्लोरिडा। डन, आज उसके बाद गए, दैट इज योर साउथ। हाँ एक्चुअली ना ये सारा क्यूबा ही है, मैं अभी ना उसमें चेक कर रही थी, पता नहीं मेरे यहाँ पे एटलस पे लिखा क्यों नहीं हुआ यहाँ पे क्यूबा, बट ये क्यूबा है एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना इसको नेट पे सर्च करोगे तो क्यूबा, ये सारे आइलैंड को ही क्यूबा बता रहे हैं। आई डोंट नो कि इन्होंने ऐसा लिखा क्यों नहीं हुआ, वो मेरी भी समझ से बाहर है। इवन जमाइका के बारे में बड़ा अच्छे से दिया हुआ, पर पता नहीं क्यूबा ही नहीं क्यों लिखा हुआ। चलो हो जाता कई बारी गलती, एटलस इससे भी। इसके ऊपर मैं बना दूंगी एक ना, आज ही एक एल्बियम बना के ना फ्लैश कर दूंगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डन, इसको ना हम कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स, तो मैं कैरेबियन आइलैंड्स के ऊपर एक सेपरेट एल्बम आज क्रिएट कर दूंगी आप लोगों के लिए। चलो जी, साउथ अमेरिका निकाल लो, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को सबसे पहली जो कंट्री टच कर रही है आपके पनामा को, दैट इज योर कोलंबिया। ठीक है, सबसे पहली जो कंट्री आपकी टच करती है ना पनामा को, एग्जैक्टली दैट इज योर कोलंबिया कंट्री जो है टच करती है। अब ना हम लोग ऐसे करेंगे इसको लर्न कि कोलंबिया के राइट साइड पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और कोलंबिया के लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों ने एल्बियम भी क्रिएट किया हुआ है इसका। तो द फर्स्ट कंट्री दैट इज योर कोलंबिया, उसके बाद आपकी तीन कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर वेनेजुएला, वी वेनेजुएला, एंड थर्ड कंट्री इज गुआना। ठीक है, गुआना, एंड द थर्ड वन इज योर सुरीनेम। सुरीनेम मिली, इसमें तो कोई है ही नहीं, आपको लोकेट ही करना, राइट साइड को जा रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद गई छोटी सी एक और कंट्री आती है जो कि ना एक्चुअली आपका फ्रांस का ही पार्ट है, दैट इज योर फ्रेंच गुआइना। ये फ्रांस का ही पार्ट है, कोई एज सच कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, ये फ्रांस का ही पार्ट है। देखो उसके ना आगे लिखा भी हुआ है दैट इज योर फ्रांस, FRA, तो ये फ्रांस का है। और पता है यहाँ से ना आपके जितने भी फ्रांस की सेटेलाइट्स है ना वो यहाँ से लॉन्च होती हैं, क्योंकि उनको एक एक पर्टिकुलर तरीके का चाहिए होता है ना, दैट इज़ योर कंडीशन चाहिए होती है, जहाँ पे आपका कोरिओलिस फोर्स, आपका थ्रेशोल्ड उनको प्रॉपर मिले ताकि वो एस्केप वेलोसिटी को आपका अचीव कर सकें, तो उनके लिए सबसे सूटेबल जगह यही है और सेफ भी है कि अगर जा रहे हैं तो, जैसे हम लोगों ने आपका आंध्र प्रदेश में रखा और उड़ीसा में रखा हुआ है ताकि सी के अंदर जो है आपकी डिस्ट्रक्शन हो अगर बाय चांस वो गिर जाता है तो, और कहीं ना हो। ठीक है, और उसके बाद गाइस दैट इज द बिगेस्ट कंट्री, दैट इज योर ब्राजील। डन, ये हमारी और कौन सी आ गई, दैट इज द वे टू द राइट, जब हम कोलंबिया से राइट जा रहे हैं, दैट इज योर VGSFB। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग राइट साइड को करें, लेफ्ट साइड को करेंगे, राइट इज डन, लेफ्ट साइड को करेंगे गाइस। तो फर्स्ट कंट्री इज योर कोलंबिया के साथ ही लगती हुई, दैट इज योर इक्वेडोर गाइस, इक्वेडोर, एंड देन इज योर पी, दैट इज योर पेरू, पेरू। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्कुल पतली सी जैसे चिली होती है ना, हरी मिर्ची होती है,
वैसे उसका नाम इंस्पायर्ड है, दैट इज विद यू चिले. चिले हम लोगों की कंट्री है. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका, दैट इज योर अर्जेंटीना. अर्जेंटीना फिर उसके बाद गाइज, अर्जेंटीना के बाद आपकी आती है दैट इज योर यूरोगुए, और आपका फिर आ जाता है ब्राजील. ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच गए, आपका ब्राजील पे पहुंच गए. डन. अब जब ब्राजील पे है ना, तो अब देखो यहाँ पे ना लैंडलॉक कंट्रीज कितनी है, यहाँ पे दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं गाइस, आपकी दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं. द फर्स्ट वन इज योर बोलीविया एंड सेकेंड वन इज योर पैराग्वे. यहाँ पे आ जाती है कुछ बोलीविया और यहाँ आ जाती है आपकी पैराग्वे. यूरुग्वे और पैराग्वे ना आपस में से सेपरेट हुए हुए हैं, पहले एक ही होते थे, फिर अलग अलग हो गए थे, तो दे शेयर अ कॉमन काइंड ऑफ अ कॉमन नेम, पैराग्वे एंड यूरुग्वे. बट पैराग्वे इज अ लैंड लॉक्ड, ठीक है, बट यूरुग्वे इज योर कोस्टल कंट्री. डन. दिस इज ऑल फॉर योर साउथ अमेरिका. देखो इसको रिट्रीव करो, यहीं पे ना अपनी लोकेट कर लेना, लेक टिटिकाका. लेक टिटिकाका हम लोगों ने किया था, क्या खासियत टिटिकाका? टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बीच में लोकेट कर लिया. द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लिखो इसको, इसी के साथ लिखो. तभी तो बोल रही थी कि इसके साथ ही लिख लिया करो एटलस के ऊपर, तो याद रह जाता. सॉरी. ठीक है, साउथ अमेरिका में अगर मैं आप लोगों को बोलूं ब्राजील, ऐसी कौन सी कंट्री है, पहले मुझे देखो इधर, ऐसी कौन सी कंट्री है जो ब्राजील को टच नहीं करती? चिले नहीं करती है ना, बिल्कुल वो कोने कोने से में आ जाती है. ठीक है, इक्विडोर. ठीक है, चिले और इक्विडोर एक ऐसी दो कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील को टच नहीं करती, बाकी ब्राजील को हर एक कंट्री टच करती है. एंड दो लैंडलॉक कंट्रीज हमने कर ही ली है. ठीक है, इसी के ऊपर ही लिख लिया करो, चाहे ना एटलस के ऊपर ही लिख लिया करो, चाहे घर जाके लिख लेना वो मार्कर के साथ. ठीक है अमन सिमरन, नाउ लोकेट फॉल्क आइलैंड्स. फॉल्क आइलैंड्स ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज योर फॉल्क आइलैंड्स. मैं कुछ भी ना मैपिंग में ऐसी चीज़ नहीं कराती जो यूजलेस है, इतना याद रखना. मेरे दिमाग में जो मेरे वर्ड्स निकलते हैं ना मेरे मुंह से, दे आर द गोल्डन वंस, क्योंकि सच में, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बार बार होते हैं, बार बार होते हैं. मैं कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं पढ़ाती. फॉल्क आइलैंड्स मिला, ये किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? अर्जेंटीना एंड यूके. बेचारा अर्जेंटीना कितनी पास है और यूके सोचो कहाँ है, बस कॉलोनियल राज चल रहा है. और ये इसीलिए ना यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर ना, कोई कैसे नहीं कर सकता कि यूके के साथ कहाँ कहाँ यूके कहाँ अर्जेंटीना है ना, वो बोल देंगे अर्जेंटीना और ब्राज़ील. वो उनका तुक बनता था ना, फिर भी यूके का तो है ही नहीं, बट इनका जो राज चलता है ये यूके वालों का चलता है यहाँ पे, दैट इज योर फॉल्क आइलैंड्स के बीच में. डन. यहीं पे करो, दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ मैलगनन. ठीक है जी, इट जॉइन्स योर साउथ अटलांटिक ओशन विद योर साउथ पैसिफिक ओशन.
इजी, कोई इतना टफ तो नहीं है। यूरोप का थोड़ा सा पार्ट करवा दूँ, क्योंकि ना यूरोप सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो यूरोप ना बहुत सारे पार्ट्स में कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बल्कनाइजेशन बहुत है। यहाँ पे इस चीज़ की आज़ादी दी थी, अगर आप एक लैंग्वेज बोलते हो तो एक कंट्री क्रिएट कर दो, इंग्लिश इंग्लैंड, स्पेन स्पेनिश, ठीक है, वैसे ही फ्रेंच फ्रांस, इटालियन इटली, ये सब जो है बेचारे अलग अलग हो गए। ग्रीस में ग्रीक बोली जाती है, अपना ग्रीक कल्चर था उनका। ऐसे हर किसी ने अपना कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे ना सब कुछ अलग अलग कर दिया और हमें मुश्किल में डाल दिया। तो यूरोप निकाल लो गाइस, दैट इज़ योर यूरोप। यूरोप में ना आप लोगों ने जैसे मेडिटेरियन सी का करेंगे हम लोग ना, तो मेडिटेरियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच कर देना, उसमें यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो वहाँ से काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाता है हम लोगों का। तो वो वाला पार्ट नहीं करेंगे हम लोग ना, ऊपर वाला पार्ट करेंगे जो कुछ ऐसा दिखाई देता। ऐसा कॉकपिट जैसा दिखाई देता है, और यहाँ पे शू आ जाता है इटली वाला एंड सो, और यहाँ पे आपका आइलैंड आ जाते हैं दो। ये ऊपर वाला पार्ट बनाया, आई होप यू कैन रिलेट। ये कॉकपिट बनता है यूरोप का ना, यहाँ पे ऐसे लगता है ना जैसे यहाँ पे पक्का लगा दो तो हेलीकॉप्टर है। सो कॉकपिट ऑफ योर यूरोप इज़ योर पोर्चुगल, और जो हेलीकॉप्टर है दैट इज़ योर स्पेन। दिस इज़ योर स्पेन एंड कॉकपिट ऑफ योर यूरोप इज़ योर पोर्चुगल। डन। अब ये जो दो आइलैंड हैं ये कौन है? एक है आपका यूनाइटेड किंगडम और एक है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया हम लोगों ने? बीपीएसपी लिए हैं पॉलिटी में, मर्जी हमारी, हम पॉलिटी भी बढ़ाएंगे। ठीक है, यूके के गए हमारे लेफ्ट साइड पे कौन सी आपकी जो है सी आता है, और राइट साइड कौन सा आता है? यूके के राइट साइड पे दिस वन एंड दिस वन, दिस इज योर नॉर्थ सी, एंड लेफ्ट साइड पे कौन सा गए? आयरिश, आयरिश सी, नॉर्थ सी एंड आयरिश सी। ठीक है, अगर हम ना थोड़ी सी ऊपर जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ना दो फ्लावर की तरह ऐसे पत्तियां सी बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी सी हैं। तो ये कौन सी दो पत्तियां? कुछ ऐसे तरीके की हैं। ठीक है, तो ये है आपका दैट इज योर नॉर्वे एंड सेकेंड वन इज योर स्वीडन, और उसी के साथ एक और छोटी सी पत्ती आ जाती है दैट इज योर फिनलैंड। ठीक है, इसको NSF से याद रख लेना, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करके ऊपर चलते हैं कि यहाँ से ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके कि कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जूता तो हम लोगों को पता ही है, ये भी बचपन से ही सिखाया गया, जो जूता है वो दैट इज़ योर इटली, है ना, शू की तरह दिखता है हम लोगों का इटली। हम लोग स्पेन से ऊपर की साइड चलेंगे कि ये ना, ये आपका जो सब कुछ है, ये कौन कौन से हैं आपके कंट्रीज कौन कौन से है। तो स्पेन के बिल्कुल साथ कौन सी लगती है? दैट इज़ योर फ्रांस। तो इसको PSF, जैसे PDF होती है ना, वैसे इसको PSF से याद रख लो, पोर्चुगल स्पेन एंड फ्रांस, पोर्चुगल स्पेन एंड, प्लीज रिपीट, दैट इज पोर्चुगल स्पेन एंड फ्रांस। बोल बोल के ही चीज़ें लर्न होती हैं,
ये बचपन से सिखाया गया है, ठीक है जी। अब उसके बाद गए हम लोगों का कौन सी कंट्री आ जाती है, दैट इज योर बेल्जियम, जिसकी कैपिटल जो है दैट इज योर ब्रुसेल्स है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस है ये भी, ठीक है। दैट इज योर बेल्जियम, बेल्जियम के बाद दैट इज योर नीदरलैंड्स, छोटा सा नीदरलैंड्स मिला। फिर उसके बाद जी जर्मनी। अब जैसे सीएनजी होता है वैसे बीएनजी है, बैंग बैंग बैंग, सीएनजी बैंग, ठीक है। तो बी से बेल्जियम, फिर एन से नीदरलैंड्स, जी से जर्मनी। फिर से बोलो, तीन छह कंट्रीज कौन सी होगी आपकी, पोर्चुगल से लेकर जर्मनी तक। पोर्चुगल, स्पेन, स्पेन, फिर फ्रांस, फिर बैंग, फिर बी बेल्जियम, एन नीदरलैंड्स, जी जर्मनी, ठीक है। तो जैसे पी एस एफ, सी एन जी या बी एन जी, डन। अब इसके ऊपर भी आ जाओ, ये जर्मनी के ऊपर एक पिंपल सा हुआ हुआ है और नॉर्वे और स्वीडन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे है ना। तो ये पिंपल कौन सी कंट्री है, डेनमार्क, डेनमार्क है जी, डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गाइस, जर्मनी के बाद क्या आ जाता है, दैट इज योर पोलैंड। पोलैंड ना दे आर लाइक द स्वीटेस्ट पीपल ऑफ योर यूरोपियंस, पर इनका ना मजाक बहुत उड़ाया जाता है। द स्वीटेस्ट पीपल मतलब कि ऐसा मैंने सुना है, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स यूरोप में थे वो बताते थे, कि जैसे कई बार वाले सरदारों में नहीं करते, कहते वैसे ही ना इनका, पर कहते दे आर द स्वीटेस्ट वन, कहते सबसे अच्छे होते हैं ये दिल के। तो पोलैंड है ये हम लोगों का, दैट इज़ योर नेशन। उसके बाद ना हमारी तीन कंट्रीज ना गाइस इकट्ठी आ जाती हैं, और ये जो तीन कंट्रीज अभी हम लोग करने लगे ना, ये नेम्स बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, और ना इसके साथ ही ना बिल्कुल बाल्टिक सी दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ना इसको बाल्टिक नेशन का दर्जा भी दिया हुआ है इन तीन कंट्रीज को। ये पोलैंड के साथ ही आ जाते हैं, दैट इज़ योर लिटवानिया, लुथेनिया एंड इस्टोनिया, ठीक है। लाटविया, लुथेनिया एंड इस्टोनिया, इन तीन को गए हम लोग बाल्टिक नेशंस भी बोलते हैं, LLE। तो क्या हो गया हमारा गए, सीक्वेंस कैसे होगी, दैट इज योर पोर्चुगल, फिर आ जाती है स्पेन, फिर उसके बाद फ्रांस, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क, फिर उसके बाद पहले स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट भी पोलैंड, फिर उसके बाद आपका लाटविया, लिथेनिया एंड योर इस्टोनिया, और छोटा सा पार्ट अगेन ऑफ कोर्स हमारा आ जाता है, दैट इज़ योर रशिया, रशिया भी टच करता है इसको बाय योर गल्फ ऑफ फिनलैंड से, और फिर हमारा फिनलैंड आ जाता है जो हमने ऊपर किया अभी, दैट इज़ योर NS, एफ दैट इज योर नॉर्वे, स्वीडन एंड फ्रांस, ठीक है, डन। देखो एब्जर्व करने की कोशिश करो, कई बार ऐसा ना मैपिंग के बेसिस पे कुछ ऐसा कुछ पूछ लेते हैं वो लोग, तो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स।
यहाँ पे ना गाइस आप लोगों ने अब देखना है वाटर बॉडीज़ मैं बताने लगी हूँ। फिजिकल मैप में ना आप वाटर बॉडीज़ को थोड़ा सा मार्क करो, मैं सिर्फ नाम बोलूँगी और आप लोग लोकेट करोगे। सबसे पहले दैट इज़ योर मेडिटेरियन सी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी इनफैक्ट, ठीक है। देन इज योर द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। मैं स्ट्रेट्स अलग से भी कराऊंगी पर उस टाइम पे फिर मैं क्रॉस कुछ नहीं करूंगी, याद रखना। ये कर्च, ये हारमूज सब पूछूंगी। गिब्राल्टर यहाँ पे ना छोटी सी जगह है गिब्राल्टर। देखो यहाँ पे भी यूके वाले ने कितना शातिर दिमाग है, यहाँ पे भी अपना कब्जा किया हुआ है। ये तो मेरा हिस्सा है, प्रोजेक्टेड पोर्शन है ऐसे करके ना निकला हुआ, और जो शिप्स जाती हैं आती जाती हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर नज़र रखता है। स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। बेचारों को और कहीं जाने के लिए एक्सेस ही नहीं है, यहीं से तो निकलना है। जितनी भी कंट्रीज हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। देन इज बे ऑफ बिस्के, किस किस के बीच में, स्पेन एंड फ्रांस। ये जो उसकी नेक थी ना, इसके बीच में, बे ऑफ बिस्के। लोकेट इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल में ना आपकी जेलीफिशेस बहुत होती हैं, आपको पता कितनी पॉइजनस हैं। तो एक लेडी ने आपका तैर के ना ये इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था, बहुत पुरानी न्यूज़ है, तो उसको अवार्ड मिला था, ठीक है। दैट इज़ योर इंग्लिश चैनल, मिल गया। यूके के बिल्कुल नीचे है और फ्रांस के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में, दैट इज़ योर इंग्लिश चैनल। देन इज नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के लेफ्ट साइड पे, दैट इज योर नॉर्वेजियन सी। ठीक है, आइसलैंड भी कंट्री लोकेट कर लेना। आइसलैंड और ग्रीनलैंड की आपने पिक्चर्स देखी होंगी ना, वो बड़ी कॉमन है कि भाई आइसलैंड इज़ ऑल ग्रीन एंड जो ग्रीनलैंड है दैट इज़ ऑल अबाउट आइस, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसी ही है इसकी। आइसलैंड तो ना बच्चे ऐसा नहीं है कि आइसलैंड में ना बिल्कुल आइस नहीं है, वहाँ पे है। और ये जो कंट्री ऑलमोस्ट फेमस है ना, दैट इज़ फॉर योर गीजर्स के लिए है अपने। यहाँ पे जैसे हमारे हॉट स्प्रिंग है ना, जैसे मणिकरण साहब है हम लोगों का गर्म पानी, और तत्ता पानी होता था, तत्ता पानी अब ख़त्म हो गया जब ये डैम डूम बन गए थे सतलुज के ऊपर शिमले के पास। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स बहुत होते हैं, तो ये नेचुरली ना जो मतलब कि ज़ोर से बाहर को निकलते हैं आपके पानी ना, आपको बताया जाएगा, ज्योग्राफी में सिखाया जाएगा कि क्या होता है कि नीचे से ना कई बार पानी होता है हम लोगों के, और वॉलकैनिक करप्शंस हो रही होती हैं, या फिर अंदर से तो हीट है ना अर्थ के अंदर, तो पानी ज़ोर से बाहर को निकलता, तो जितनी प्रेशर से यूज़ होता है ना, दैट इज़ बेसिकली थर्मल एनर्जी। और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग टर्बाइन्स रख देते हैं, और फिर वो घूमती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये आपने सुना होगा घराट, सुना, हिमाचल में होते हैं घराट होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी से आटा पीसते हैं। हाँ आटा चक्की, मेरे ख्याल से पंजाब में भी होते हैं, पता नहीं वहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं। हाँ ये बहुत कॉमन चीज़ है, अब जैसे जो फ्लड वगैरह आए कुल्लू मनाली में तो ये काफ़ी तबाह हो गए, पर घराट होते हैं ये बड़े ट्रेडिशनली ना, फिर वो पानी जैसे चल रहा है तो उसकी एनर्जी से ना नीचे जो है चक्की घुमाते हैं ये लोग, एक घर सा बना लेते हैं, तो उसका पानी से चक्की चलती है और बीच में कनक डालते रहते हैं और बीच में आटा पीसते रहते हैं। नेचुरल चीज़ें, ठीक है, दीज आर योर नेचुरल फ्लोज। चलो 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 आगे चलते हैं। द गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ बॉथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड,
पॉलिटिकल में दिख जाएगा, वैसे फिजिकल में भी होगा, पॉलिटिकल में आपको कंट्रीज भी दिख जाएंगी। ठीक है, देन इज योर वाइट सी एंड बेरेंट सी। वाइट सी ना बिल्कुल ऐसे अंदर को घुस के जो है रशिया के बीच में है वाइट सी, और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा बाहर को आ जाता है, दैट इज योर बेरेंट सी। डन। यहाँ पे आपको सी ऑफ अजोव भी दिखा, सी ऑफ अजोव। अच्छा ये देखो, तुम लोग अब भी कराया मैंने तुम्हें ब्लैक सी में, और तुम ऊपर देख रहे हो, ब्लैक सी का पार्ट है वो, तो नीचे देखोगे ना सी ऑफ अजोव दिखा, अब दिख गया होगा, पहले नहीं दिखा होगा। अब कर्च भी दिखेगा, देखना स्ट्रेट ऑफ कर्च, कर्च प्लेस मिला। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द थिंग्स, और कुछ नहीं है, बस कनेक्ट करना होता है चीज़ों को। ठीक है, मेडिटेरियन के पास ही अब मैं और सीज बता रही हूँ, दैट इज एजियन सी। ठीक है, ग्रीस और टर्की के बीच में बिल्कुल आपका जो है दैट इज योर एजियन सी है। देन इज ग्रीस और इटली के बीच में आयोनियन सी है। इटली के ना फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे शू के दो सीज हैं, एक है तिथेरियन सी फ्रंट पे और बैक पे एड्रियाटिक सी, है ना पक्का? तो इसको चाहे ऐसे कर लेना कि जैसे ये टाउ का शू है, ठीक है, टाउ का शू, टी ए ए और नीचे ओ। ठीक है, तिथेरियन सी, उसके पीछे हमारा एड्रियाटिक सी, और नीचे है हमारे ताऊ का ओ, दैट इज योर आयोनियन सी। ठीक है, ताऊ। डन, शाबाश मेरे शेरों। अब इसको लर्न करो एंड स्टार्ट मेकिंग ऑल द थिंग्स जो आज हमने पढ़ी हैं।